जी नमस्ते सभी को। तो अभी हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया और उसमें भी मूल रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया और उस अभ्यास को और धीरे धीरे हम गहराई में ले जा रहे हैं कि हमको एक एक क्षण में अपना भाव स्पष्ट हो। आप पाएंगे कि स्टेप वन पे हो सकता है अभी बहुत सारा अपना काम बाकी है भाव की स्पष्टता के लिए, कि हम साफ साफ देख पाए कि मेरे अंदर किसी भी क्षण में क्या भाव है। तो इसको अपने को बनाए रखना है, करते रहना है। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि मैं अपने भाव के प्रति हर क्षण सजग रहूं। और स्टेप वन में हमने उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया, ये भी प्रयास किया कि कोई प्रतिक्रिया ना हो, उस भाव को बदलने का कोई प्रयास ना हो, है ना, बस जैसा वैसा देखते रहे। स्टेप टू पे हमने उसका मूल्यांकन शुरू किया और ये बात देखनी शुरू की कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, क्या उस भाव के प्रति मेरे अंदर सहज स्वीकृति है। स्टेप थ्री में हमने उसके साथ अपनी कल्पनाशीलता की पूरी स्थिति को, अपनी स्थिति को देखना शुरू किया कि इसके साथ मैं सुखद स्थिति में हूँ या दुखद स्थिति में हूँ, आराम में हूँ या परेशान हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ या इसको बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। स्टेप फोर में हमने ये देखना शुरू किया कि जो मेरे अंदर भाव है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये निर्णय मैंने ही स्वयं लिया या किसी बाहर की परिस्थिति ने या किसी अन्य व्यक्ति ने। तो इसको थोड़ा जांच परख करके दिखता है कि मेरी जो भी भाव की स्थिति है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ, यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। परिस्थितियां बाहर अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल हो सकती हैं, अगला व्यक्ति मेरे साथ संबंध में आराम में हो सकता है या उसके साथ विरोध का, उसके अंदर मेरे प्रति विरोध का भाव हो सकता है, परंतु मैं सुखी या दुखी होता हूँ अपने निर्णय से और मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मेरा भाव मेरा निर्णय है। इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले, एक तो ये कि मुझे दिखता है कि यदि मैं निरंतर सुख की स्थिति में नहीं हूं, ठीक है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरा भाव जो मेरा ही निर्णय है वो ठीक नहीं है, तो मुझे अपने भाव को परिमार्जित करना है, मुझे अपने भाव को सुनिश्चित करना है कि मेरे सहस्वीकृति के अनुसार हो, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। दूसरा, ये जो हम कई बार अपनी कल्पनाशीलता में दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों के प्रति शिकायत से भरे रहते हैं कि दूसरे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, दूसरे ने जो कुछ भी किया अगर उससे मैं दुखी हुआ तो मेरी अयोग्यता है, क्योंकि ये तो दिखता ही है कि मेरा भाव जो मेरा निर्णय है ना सहस्वीकृति के आधार पर नहीं है और तभी मैं उसके प्रति विरोध में आया और तभी मैं दुखी हुआ। तो ये दूसरी बात जो स्पष्ट होती है वो ये स्पष्ट होती है कि मुझे अपने अंदर किसी के प्रति शिकायत रखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो जितना मैं इस स्टेप फोर को ठीक से कर पाता हूँ उतना उतना मैं शिकायत मुक्त होता जाता हूँ दूसरों के प्रति। और आप पाएंगे कि जब आप स्टेप फोर पर काम कर रहे होते हैं तो और अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग हो रहे होते हैं तो आपको प्रेजेंट पास्ट की बहुत सारी चीजें ध्यान में आएंगी, है ना, और आपको दिखेगा कि उन चीजों को स्मरण करके मैं दुखी हो जाता हूँ परेशान हो जाता हूँ। फिर आपको ध्यान में आएगा कि भाव तो मेरा ही निर्णय है, अतीत में जो कुछ भी हुआ ठीक है उसमें अल्टीमेटली वो मेरा निर्णय था, मेरा ही भाव था जिससे मैं दुखी परेशान हुआ। तो अब मैं धीरे धीरे पास्ट की चीजों में भी शिकायत मुक्त होता जाता हूँ, प्रेजेंट में भी जो कुछ चल रहा है उससे मैं शिकायत मुक्त होता जाता हूँ, और इतने के साथ फ्यूचर में जो मुझे जीना है कैसे जीना है कैसे निर्वाह करना है उसके प्रति और मैं सजग हो जाता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में भी जो कुछ मेरी स्थिति बनेगी वो मेरा ही निर्णय है। तो ये धीरे धीरे अपने अंदर से जो शिकायत का भाव है इससे मैं मुक्त होता जाता हूँ, इससे मैं बाहर निकलता जाता हूँ, इससे मैं अपने आप में काफी आराम पाता हूँ और मैं अपने में परिमार्जन के लिए और प्रेरित हो पाता हूँ। इतना हम लोगों ने स्टेप फोर में किया। इसके बाद स्टेप फाइव में जब गए तो हम लोगों ने अपने जो निर्णय का आधार है उसको देखना शुरू किया।
कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ ठीक, उसका आधार क्या है, सही समझ है, कोई मान्यता है, हमने कोई चीज मान ली है समझे बगैर, उसका आधार क्या है, और इसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे असाइनमेंट को हमने कल भी लिया था, हम लोग एक एक स्टेप पे कुछ समय लगा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आगे बढ़ जा रहे हैं, परंतु आपको दिखेगा कि इनमें से एक स्टेप पे काम करते रहना हमारी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने पास में कोई गलत निर्णय लिया तो उसका आधार क्या था, कोई सही निर्णय लिया तो उसका आधार भी क्या था, वो सही निर्णय समझ के आधार पर लिया था या मान्यता के आधार पर लिया था परंतु सही बैठ गया, ये भी हो सकता है। तो मेरे अंदर जो भाव है उसका निर्णय मैं किस आधार पर ले रहा हूँ, मेरा भाव किस आधार पर तैयार हो रहा है, समझ के आधार पर या किसी मान्यता के आधार पर, ये अपने आप में तय करने की बात है, देखने की बात है। इसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं। भैया, हम स्टेप 2 में जो कर रहे हैं, स्टेप 1 में भाव और विचार को देख रहे हैं, और स्टेप 2 में हम ये देख रहे हैं कि वो सहज स्वीकृति के आधार पर है या नहीं है। फिर स्टेप अगर सही सहज स्वीकृति के आधार पर है भैया, तो वो वैसे ही आपको कंफर्टेबल और हार्मनी में रखेगा। तो फिर हम ये जो स्टेप 5 कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस आएगा भैया? यहाँ हम जो कह रहे हैं कि सही समझ के आधार, जो सहज स्वीकृति है, तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ हम देख पाए कि सही समझ के आधार पर निर्णय लिया। तो सहज स्वीकृति और राइट अंडरस्टैंडिंग तो एक ही बात हो गई, तो फिर हम स्टेप 2 और स्टेप 5 में डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हमने अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर निर्णय लिया, बट समझना शेष है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मेरे अंदर उस क्षण संबंध का भाव था तो मैंने वो निर्णय लिया, तो मेरे अंदर संबंध का भाव था, संबंध का भाव बना रहा, उसका मुझे सुख मिला, स्थिति सुखद रही, परंतु हो सकता मैंने अभी संबंध को समझा नहीं है, तो उस क्षण मेरे अंदर संबंध का भाव तो था परंतु संबंध की समझ नहीं थी, इसलिए अगले क्षण फिर वो भाव बिगड़ गया, अगले क्षण है ना मैं अपने आप में फिर दुखी परेशान हो गया। तो सहज स्वीकृति और सही समझ में अंतर यह है कि सहज स्वीकृति तो मेरे अंदर हर क्षण बनी हुई है, चाहे मैं समझू या ना समझू, परंतु मेरा भाव विचार कभी सहज स्वीकृति से तय होता है, कभी मान्यता से, कभी संवेदना से, ये सब उसमें फ्लक्चुएशन लगा रहता है। जब मेरे अंदर सही समझ होती है तो उसमें निरंतरता हो जाती है, तो वो सामयिक रूप से सही निर्णय था भाव में और वो बना, बट थोड़ी देर बाद बदल गया। यदि सही समझ होती तो फिर वो निर्णय बदलता नहीं, बना रहता यथावत रहता। तो मेरे अंदर संबंध का भाव बना रह सकता है, विश्वास का भाव बना रह सकता है, तो किसी क्षण में ऐसा था कि मेरे अंदर संबंध का भाव तो था परंतु अभी समझ नहीं थी, इसलिए बिगड़ गया फिर से। और भी उसको बारीकी से देखेंगे तो अभी जिसको हम संबंध का भाव भी कहते हैं ठीक है ना, उसको हम पहचानते हैं परंतु अभी हमको ना तो संबंध स्पष्ट होता है ना भाव स्पष्ट होता है, तो हमको लगता है कि हाँ संबंध का भाव है ठीक, परंतु हो सकता है वो उसमें कोई मूल्यांकन चूक भी हो रही हो, कहीं अधिमूल्यन कर दे रहे हैं, कहीं अमूल्यन कर दे रहे हैं, कहीं अमूल्यन कर दे रहे हैं, ये सारी चूक की संभावना भी है और हम उसको संबंध का भाव मान ले रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। जब सही समझ होती है तो इसमें ये सब गड़बड़ियां नहीं होती, ये सब अनिश्चितताएं नहीं होती। सही समझ के साथ एक तो निरंतरता होती है, दूसरा निश्चितता होती है भाव की। लेकिन कई बार हम ऐसी चीजें भी नोटिस करते हैं कि अगर हम विश्वास करते हैं तो उसमें कहीं कहीं चीटिंग होती है, तो हम पहले से सावधान रहते हैं पुरानी घटनाओं से और एकदम से विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या संबंध का भाव ठीक नहीं है? देखिए, एक तो विश्वास शब्द को अगर ठीक से प्रयोग करें तो यदि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि जिसको अभी विश्वास कह रहे हैं कि इंटेंशन के प्रति अश्योरेंस होना, तो हमारे में समझ का भाव है, परंतु यदि ये व्यक्ति रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है ठीक, और इसलिए हम सावधानी बरत रहे हैं, तो इसमें हो सकता है विश्वास का भाव तो है मेरे अंदर, मुझे पता है इसकी चाहना ठीक है, साथ में ये पता है कि योग्यता कम है, तो मैं सावधानी बरत रहा हूँ, फिर संबंध का भाव तो है ना, संबंध के भाव के साथ ही मैं उसकी चाहना के प्रति आश्वस्त बने रहते हुए उसका मूल्यांकन करता हूँ और उसकी अयोग्यता को पहचान पाता हूँ, उसके अनुसार निर्णय लेता हूँ,
जो भी अभी तक जो भी संबंध है या अभी तक जो भी मित्र हैं या जो भी एक्टिविटीज हैं, कहीं कहीं वो थोड़ी शिथिल हो रही भैया, क्योंकि जो एक राइट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, उससे हम जीने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ वो समझ नहीं होने से जो पास्ट में जो एक्टिविटी चल रही थी या पास्ट में जो संबंध जिनके साथ उठना बैठना सब कुछ चल रहा था, वो थोड़े शिथिल हो रहे हैं। और वो शिथिल होने से एक शिथिलता या एक शांति तो है, लेकिन उसमें आनंद या खुशी की बात नहीं है। आनंद तो गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हैप्पीनेस की बात है, अनहैप्पीनेस नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस जैसे जो हैप्पीनेस का अभी तक तो जो बेसिस रहा है, एक्साइटमेंट या दूसरों से मिल रही अनुकूल भाव संवेदनाएं या भावनाएं, तो वो सारा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है भैया, तो मतलब एक सन्नाटे जैसी स्थिति बन रही है। देखिए, ये एक अर्ली फेज हो सकता है, बट किसी रूप में ये ठीक है। तो आप उनसे दोबारा जब कनेक्ट हो तो उसके आधार को सुनिश्चित करेंगे कि उसका आधार सही समझ हो, और हम उनके साथ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिसमें हमारा समझ बढ़े। तो उन्हीं लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होने के कई मोड्स हो सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि क्यों ना शाम को 2 घंटे 6 से 8 हम लोग कुछ चर्चा करें। अगर वो लोग फिजिकली कम डिस्टेंस पे हैं तो साथ बैठकर फेस टू फेस मोड में चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर भी उत्सुकता बनेगी, जिज्ञासा बनेगी, समझने का क्रम शुरू होगा। और कम से कम उनको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप उनके साथ पुराने तरीके से नहीं जुड़ रहे, ठीक है ना, तो उसका एक निश्चित कारण है और ठीक कारण है। तो आपको दिख रहा है कि जो पुराने तरीके थे उसमें म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं था, है ना। अनावश्यक बातें होती थी, अनावश्यक खाना पीना होता था, तो शरीर बिगड़ रहा था, संबंध भी बिगड़ रहा था, समय भी दुरुपयोग हो रहा था और खुद में भी कोई सुख की निरंतरता नहीं थी। अब आप सही विधि से जी रहे हैं या जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मैसेज फ्रेंड सर्कल में भी जाएगा। तो वो तो ठीक है कि पहले जो गलत ढंग से निर्वाह हो रहा था उसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट शामिल था, अब वो शिथिल हो रहा है, बट वो अब जब एक्टिव होगा तो सही विधि से एक्टिव होगा। हम निर्णय के आधार को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं किस आधार पर अपने भाव अपने विचार का निर्णय लेता हूँ, सही समझ के आधार पर या मान्यता के आधार पर। तो जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे सहज स्वीकार होते हैं, जिससे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, तब यह निश्चित नहीं रहता है कि मैं किस भाव के साथ किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा, जो भाव मुझे सहज स्वीकार होते हैं उनके पक्ष में या किसी और भाव के पक्ष में, और फिर मेरी स्थिति क्या बनेगी, है ना। उसकी निश्चितता होती नहीं है। फिर मैं आराम में रहूंगा या परेशान होऊंगा, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में जाऊंगा, सुखी रहूंगा या दुखी हो जाऊंगा, ये सब अनिश्चित सा बना रहता है। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना आवश्यक है और उसके आधार पर ही अपने भाव विचार का निर्णय करना मेरे लिए सुखद है। तो हम लोग स्टेप 4 में ये देख पाए थे कि मुझे परिमार्जन करना है, अपने ऊपर काम करना है। स्टेप 5 में हमें कह रहे हैं कि मुझे सही समझ को सुनिश्चित करना है। बात सुनने में एक अच्छी लगती है, बट क्या होता है कि सिंपली अगर हम इतना मान लेते हैं कि हाँ, मैं अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, बट क्या काम करना है ये क्लियर नहीं होता। हो सकता है मैं कोई नई मान्यता बना लूं अपने अंदर, ठीक है, मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने सुख दुख के लिए। अब मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं, किसी को एक्सपेक्टेशन रखूंगा ही नहीं, है ना। दुनिया तो ऐसी ही है, कोई भरोसे के लायक नहीं है, किसी के साथ कुछ लेन देन रखूंगा ही नहीं। अब ये सब गलत निर्णय हो जाएगा, नई मान्यताएं बन जाएंगी। तो स्टेप 4 से स्टेप 5 में शिफ्ट जो है वो ये है कि मुझे अपने ऊपर क्या काम करना है ये निश्चित हो पाता है। जी भैया, जो समाधान शब्द भैया प्रयोग करते हैं आप, तो ये समाधान क्या भैया इसके पहले हो सकता है कि नहीं? अनुभव या समाधि जो भी शब्द प्रयोग कर ले उसकी जगह, क्या उसके पहले भी समाधान हो सकता है क्या भैया? जितना ज्ञान हो जाएगा उतना तो समाधान रहेगा ही ना। हम अनुभव तक ना भी पहुंचे, बट हमको संबंध की जितनी स्पष्टता बनेगी, संबंध को लेकर उतना समाधानित हो जाएंगे। जितना चिंतन में विकास हो गया उतने का समाधान बना रहेगा, जितना शेष है उसका समाधान नहीं रहेगा। तो ज्ञान से समाधान होता है, तो जितना ज्ञान हो गया उतने का समाधान रहेगा। ज्ञान के साथ कोई ऐसा
ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है कि एक समय बिल्कुल नहीं है और एक समय बिल्कुल पूरा ही हो गया, डिजिटल 0 to 1, ऐसा तो है नहीं। तो उसमें तो इतना होता है कि हम जैसे जैसे भाव के सजग होते हैं, भाव में परिमार्जन होता है, उससे चिंतन की क्रिया जागृत होती है, फिर बोध की क्रिया भी जागृत होती है। इनकी जागृति जब इतनी हो जाती है कि अनुभव के लिए एक तैयारी हो जाए, तो फिर अनुभव की क्रिया जागृत होती है। परंतु जितना जितना चिंतन में जागृति हो गई, जितना जितना बोध में जागृति हो गया, उतना तो ज्ञान सुनिश्चित हो गया ना, उसके आधार पर फिर समाधान तो निकाल ही सकते हैं, उसके आधार पर समाधान तो मिल ही जाता है। तो स्टेप 5 पे हमको ये काम ठीक से करना है। ये जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं उसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि उसमें अभी कोई मान्यता हमारी बनी रही है, बची हुई है, या हम वहां समझ गए हैं। जी, ये आज के लिए हम लोग के लिए असाइनमेंट रहेगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।